इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 में ऐसे परिवार में पैदा हुई जो आजादी के लड़ाई में सक्रिय था। देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा बचपन से ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंदिरा जी ने देश की सेवा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर राजनीति में कदम रखा। अपने इसी लगन और देश प्रेम के चलते वे 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गईं। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी एक सशक्त नेता के तौर पर उभरी और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इंदिरा जी ने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के रूप में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा किया। ।1984 में इंदिरा गांधी ने पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से बात करके विश्व समुदाय को अंतरिक्ष में भारत की सशक्त मौजूदगी का एहसास दिलाया। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा। इंदिरा गांधी के महत्वपूर्ण फैसलों में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी शामिल है। उनके इस कदम से बैंक आम जनता की पहुंच में आ गए। इंदिरा जी का ये कदम अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी संजीवनी बूटी का काम किया जिसका प्रभाव 2008 की वैश्विक मंदी तक कायम रहा और देश उस आर्थिक प्रलय से बच पाया। वहीं इंदिरा गांधी जी ने लोगों का हित समझते हुए महत्वपूर्ण उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को जो पटकनी दी थी उसे आज भी याद किया जाता है। इंदिरा जी ने कूटनीतिक ढंग से बांग्लादेश के शरणार्थियों की समस्या को हल किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने न केवल 1971 के युद्ध में जीत हासिल की बल्कि बांग्लादेश को भी आजाद कराया। उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था और अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भारत की तरफ भेज दिया था, लेकिन इंदिरा जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई और पाकिस्तान को हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करवाया। इंदिरा जी ने देश की एकता के सामने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उन्होंने मौत की साजिश में शामिल होने की सूचना मिलने के बावजूद अपने अंगरक्षकों को हटाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो देश की पहले से व्याप्त नाजुक स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका जज्बा, उनका देश प्रेम आज भी देश के कण-कण को शक्ति प्रदान कर रहा है। कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा।